एक्वास्टार नहीं है क्या? घर आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट, एक्वास्टार। ये मोदी जी के लिए सबसे बड़ा हमारा एक सहयोग होगा कि अंडमान से भी हम एक एमपी हम उनको चुन के देंगे करके। कांग्रेस जो अभी तक अपना कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पा रही है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस के अंदर मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैंडिडेट खड़ा करें कि न करें। आज ये कहीं ना कहीं जद्दोजहद लगी हुई है, क्योंकि विष्णु जी का लोकप्रियता को देख के कांग्रेस को ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसको खड़ा करें, और उनको सबसे बड़ा यही दिक्कत है कि आज तक उन्होंने अपने कैंडिडेट को दे ही नहीं पाए। आज हमारा कैंडिडेट भाजपा का नॉमिनेशन फाइल कर रहा है और कांग्रेस जो है अपने कैंडिडेट को ही तय नहीं कर पाई कि हम किसको लड़ाए, और पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि ये सीट वो छोड़ के पहले ही वाकवर दे दें तो कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। थैंक यू। सबको नमस्कार। आज जैसा कि आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय विष्णुपद राय जी अपना नामांकन दाखिल करने आए हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा उन तमाम लोगों का जो इतने धूप होने के बावजूद साउथ अंडमान से लेकर पोर्ट ब्लेयर तक इतनी संख्या में विष्णु जी के समर्थन में, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, मोदी जी के जो विश्वास था, मोदी जी के जो विश्वास में विष्णु जी को सीट किया, उसके लिए जो इतना लोग आए, मैं उन सब का धन्यवाद देता हूँ। और ये जो जन सैलाब है, ये आपको बताता है कि लोगों का मोदी जी पे विश्वास, विष्णु जी पे प्रेम, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कितना है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार विष्णु जी अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ेंगे और बारी से बारी बहुमत से अंडमान में एक कमल खिलेगा, जो मोदी जी के आपकी बार 400 पार का एक कमल अंडमान से विष्णु जी भी लेके जाएंगे। जैसा कि आज आपने देखा, हमारा एक शक्ति परीक्षण था, ये पहली सीढ़ी थी, और उसमें आपने देखा कि कितने लोग इकट्ठा हुए, जो विष्णु जी को चाहने वाले, भाजपा को चाहने वाले, मोदी जी को चाहने वाले, ये भीड़ थी और ये पहली सीढ़ी थी। आज हमने ये दिखा और पूरा कामयाब रहे हम उसमें, और उम्मीद करते हैं कि जो हमारा नारा है अब की बार मोदी, फिर से मोदी सरकार और 400 पार, तो 400 पार का जो वो कमल का गुच्छा है उसमें एक कमल अंडमान निकोबार द्वीप समूह से भी हम खिलाकर उनको तोहफे के रूप में देंगे, विष्णु जी को जिताकर। ये हमारी प्रतिबद्धता है आप सारे कार्यकर्ताओं की। और एक जो ये मीडिया के थ्रू अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये फैलाया जा रहा है, इनकी टोली उनकी टोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हम सभी सैनिक हैं, हमारे सेनापति मोदी जी हैं, और उनके नेतृत्व में पूरे सैनिक पूरी तन्मयता से हम अपनी लड़ाई जो है चुनाव की लड़ेंगे, और विष्णु जी को जिताकर एक कमल खिलाकर निश्चित तौर पर भेजेंगे। धन्यवाद। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। थैंक यू। बार बार मोदी सरकार, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय श्री राम। आज ये जो भीड़ से पता चला, ये जो भीड़ जो देखा है, इससे तय हो गया हम लोग 30,000 प्लस मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अपोजिशन का बस कैंडिडेट नहीं है, क्लियर पिक्चर दिखाई दे दिया, अपोजिशन का कैंडिडेट नहीं है, और लोग चुनाव नॉमिनेशन अंत होने तक भी उनका कैंडिडेट नहीं आएगा। भारतीय जनता, मुझे लगता है अनोपोस ही हो जाएगा इलेक्शन, ऐसा लग रहा है जो माहौल आज दिख रहा है ना, कि एक तरीके से TDP और छोटे छोटे दल जो हमारे अलायंस पार्टनर्स, वो भी मिलकर इतनी संख्या से भीड़, आप देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी ऑफिस से लेकर हमारा जो नीचे बीजेपी ऑफिस से लेकर कांग्रेस ऑफिस तक भीड़ लगा, यानी मतलब बीजेपी ऑफिस से कांग्रेस ऑफिस, मतलब जनता तय कर दिया कि कांग्रेस ऑफिस का बाहर से, मतलब जो भी, मतलब हमारा जो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी है, ये बहुत मजबूत प्रत्याशी है, और जो मीडिया में जो चला रहे कि इसका गुट उसका गुट, कोई गुट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक है, अंडमान निकोबार में मोदी जी का नेतृत्व में एक ही है, और सारे अंडमान निकोबार में डिगलीपुर से लेकर माय बंदर से कैमल बेग तक और निकोबार तक इस बार कमल खिलेगा। हर बूथ 412 बूथ में, हर बूथ में बीजेपी का परचम लहरेगा, ये बार पक्का है। थैंक यू।
400 में एक जो है एक कमल हमारे तरफ से जाएंगे अंडमान निकोबार से। आज जो आज तो ये ट्रेलर था, अभी पूरी पिक्चर जो अभी बाकी है, अभी आप देखें कि किस तरीके से किस ललित से। हाँ तो ये जो है, और साथ में हमारे अलायंस पार्टनर देखिए, आज TDP का ऐसा सपोर्ट के लिए आज मुख्य भूमि से उनके जो प्रभारी अंडमान का वो भी हमारे साथ आए हैं, उनके साथ जुड़े हैं। अब जो दूसरे अलायंस पार्टनर है हमारे, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये क्या दिखाता है कि हम लोग एकजुट होकर के इस बार 400 पार तो है ही है, और सारे रिकॉर्ड तोड़ हमारे जो है बहुमत के साथ में इस बार जीतेंगे, और कमल के फूल जो है हम फिर से खिलाएंगे, और 400 में जो है हमारी भागीदारी होगी, संसद में हमारे आवाज़ गूंजेंगे। धन्यवाद, भारत माता की जय। अब की बार 400 पार। देखिए, अंडमान निकोबार में आज एक नया इतिहास का शुरुआत होने जा रहा है। पिछले 5 साल जो हम लोगों ने देखा कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुलदीप भाई जो हैं वो पार्लियामेंट में बैठे तो रहते थे लेकिन बहुत आराम से बैठे रहते थे, उनका मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता था। और भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया है जिनके आवाज़ बहुत दूर तक जाता है। आप देखना कि जो पिछले 5 साल में हम लोग 50 साल पीछे चले गए थे, उसको ये आने वाले 5 साल में अंडमान का हर चीज़, चाहे बमफ्लैट का पुल हो या फिर नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट हो, हर चीज़ आगे बढ़ेगा और विष्णु जी अपने पीरियड में उसको समाप्त करेगा। और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी, हम लोगों का मैक्सिमम विनिंग मार्जिन 13,000 वोट का था आज तक, जो हम लोगों ने 98 में लिया था, उसका रिकॉर्ड इस बार टूटेगा और कम से कम 30 से लेकर 35,000 वोट के मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं ना, जो मैच खेलते हैं शुरुआती ओवर्स में जो मारता है ना, वो कवर करना बहुत मुश्किल होता है। अभी तक उन लोग ओपनिंग बैट्समैन ही डिसाइड नहीं हुआ है, तो कांग्रेस तो दिल्ली में बैठा हुआ है और वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं। एक कुलदीप बोल रहा मेरे को नहीं चाहिए, TSG बोल रहा मेरे को नहीं चाहिए, और रंगला लाल दाल बोल रहा मेरे को नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि जीतने का कोई आसार ही नहीं है। अब ये पहले उनको चाहिए था, अब नहीं चाहिए। अब जनता सब समझता है। आप पोडले से लेके डिगलीपुर तक और कैंबल बे तक कहीं भी जाकर देखिए, इवन ट्राइबल बेल्ट में भी BJP का परचम लहरा रहा है, और हम लोग जो है ऐसे मार्जिन से जीतेंगे कि जो मतलब रिकॉर्ड ब्रेक होगा, और हम लोग विष्णु जी को एक कमल लेकर विष्णु जी दिल्ली पहुंचेंगे मोदी जी के लिए। और हम लोगों का जो टारगेट है मोदी जी का 400 पार, उसमें 401वां जो सीट होगा वो अंडमान से होगा या फिर 1वां होगा, पहला रिजल्ट तो यहाँ का आएगा। ओपनिंग हम ही लोग करेंगे यहाँ से, और एंड जहाँ से भी होगा हम लोग 400 पार जाएंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। नमस्कार, भारत माता की जय, BJP जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा इस बार कोई हमें रोक नहीं सकता है, मोदी जी 400 पार आना ही है, BJP 400 पार तो आना ही आना है, 400 से ज़्यादा ही भले आ सकता है, 400 से कम नहीं आएगा। और हम लोगों के, आपने देखा होगा लोगों के अंदर में जो जज्बा है, जो उत्साह है, वो ऐसा लग रहा है कि हमारे गांव को, हमारे शहर को इस तरह सजा दिया गया है, और इतनी खुशियां लोगों में है कि हम ज़रूर जीतेंगे और ज़रूर जीतेंगे। पहला वोट, जैसे जी ने बताया कि पहला सीट जो है अंडमान से ही जाएगा। नमस्कार सभी चैनल को, मैं फिशरमैन प्रशासन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं फिशरमैन सेल का कन्वीनर हूँ BJP का। हमारा जितना भी फिशरमैन है आइलैंड में जो रहता है, सारे फिशरमैन खुश है। हमारा मोदी सरकार आने के बाद में हमारे को फिशरमैन के लिए नया नया स्कीम लेकर आया, नया फंड भेजा था, बहुत कुछ डेवलप हो रहा है और आगे भी डेवलप होने का हम लोग उम्मीद रख रहे हैं। अब की बार 400 पार तो है, पहले तो हम लोग फिशरमैन कभी तो इतना ओपन नहीं आता था, आज पहले बार हम लोग फिशरमैन दिल खोल के आया था मोदी जी के लिए और एक विष्णु पदरे के लिए। अच्छा कैंडिडेट मिला और हमारा नेतृत्व भी अच्छा है, इसके लिए हम लोग पूरा हम लोग सपोर्ट करते हैं। हमारा जितना भी आइलैंड में फिशरमैन रहता है सबको मैसेज भेजा हूँ, सभी हम लोग मोदी जी के लिए और विष्णु जी के लिए सभी सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। फिशरमैन कम्युनिटी अंडमान में फैला हुआ है सभी जगह, तो आप लोगों ने BJP को सपोर्ट दिया, कांग्रेस को भी कितना सपोर्ट मिलेगा? देखो सर,
70 साल हम लोगों ने कांग्रेस सरकार देख लिया था, कोई डेवलप नहीं हुआ था। हमारा जो डेवलप हुआ था जब अटल जी जब सरकार था वो टाइम में पिछलानी जट्टी बना था जंगली घाट में, आप लोग जानता होगा, वो जट्टी बनाने का हमारा फिशरीमैन का जितना डेवलप हुआ था, जितना एक्सपोर्ट का डेवलप हुआ था, उसी से हम लोग बहुत खुश है। आज अभी मोदी सरकार आया था, बहुत कुछ स्कीम ले गया था, नया नया स्कीम ले गया था, वो नया स्कीम अभी आने वाले दिन में और भी स्कीम का बहुत डेवलप होएगा इसका, इसलिए तो हमारा फिशरमैन जान चुके हैं कि किसको वोट देना है। पहले तो हम लोग तो मालूम नहीं था कि किसको वोट देना करे, अभी पूरा जान चुका है कि सही कैंडिडेट को वोट देगा। हम लोग विष्णु जो जिताएगा, इधर से जिता के हमारा मोदी से हम लोग मिलने भी जाएगा, हमारा फिशरमैन ऐसे हम लोग का। आप जानते हैं जो मोदी जी का स्कीम्स है, जैसा पीएम ये है, पीएम किसान सम्मान निधि है, जो उजावला स्कीम है, ये गांव गांव तक आज पब्लिक के बीच में पहुंचा है। और लास्ट बार जो कुलदीप राय शर्मा जी 5 साल एमपी थे, उनका जवाब था कि हम यहाँ कांग्रेस का है, ऊपर में बीजेपी का है, हमारा बात नहीं सुनता है, कुछ काम नहीं हो रहा है। तो खुद उनका एमपी कुलदीप राय शर्मा जी का ये विचार है। तो अभी फिर भी जी कांग्रेस जीत के क्या होगा, अभी तो 400 पार करने वाला है, बीजेपी का माहौल देश भर में हो रहा है, तो अंडमान में भी बीजेपी जीतने से और अच्छा होगा और डेवलप होगा। नमस्कार, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हमें भी अपना मन के बात और हमारे सरकार भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ नॉमिनेशन के लिए आए हैं हमारे एमपी सर मिस्टर विष्णुपद रे जी, उनके लिए हम लोग सब इतने सागर की तरह इतने लोग यहाँ जमा हैं, तो इसी हमको पता चल सकता है कि गया जो 5 साल कांग्रेस का जो शासन था इसमें कितना कमियां हैं और कुछ भी नहीं हुआ है 5 साल में। इसलिए जो 5 साल में जो लोग जो जनता गलत डिसीजन लिया है उसका ही अभी आप देख रहे हैं कि इतने लोग सही डिसीजन पर आए हैं और 100% हमारे उम्मीदवार जीतेंगे और जीतेंगे खाली नहीं, हो सकता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा बहुमत मतलब जितना मत है वो यहीं से जाएगा और पहला एक एमपी सीट हमारे कमल यहाँ से अंडमान निकोबार से हमारे इंडिया के दक्षिण छोर जो कि अंडमान निकोबार है यहीं से उगेगा और जरूर यहाँ से जाएगा। और हमारे मोदी जी इतना सारे स्कीम निकाले हैं महिलाओं को लेके, बच्चों को लेके, हर एक बोले तो सारे जनता के लिए कि बहुत सारे स्कीम निकाले जिसका उपयोग सब कर रहे हैं, जिसका लाभ सब उठा रहे हैं, ज्यादातर महिला लोग, जो विधवा स्त्री है, जो विडो है, और जितना भी जिसको 2500 रुपया बैठे बैठे मिल रहा है, पहले ऐसा कोई नहीं मिलता था, उनको अपना बेटा अपना पति या किसी और पर आश्रित होना पड़ता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है, सभी लोग मोदी जी को मानते हैं और कमल जो है कि सबका दिल में छपा हुआ है, ये नहीं कि हाथ में टैटू नहीं, दिल में छपा हुआ है। इसलिए मोदी जी जिंदाबाद के साथ, भारत माता की जय के साथ, जय श्री राम के साथ, यहाँ से अंडमान निकोबार से हमारे इंडिया के दक्षिण छोर से हमारे अंडमान से एक कमल पहले खिल जाएगा, ये हमारे सबके उम्मीद है कि नहीं भाइयों? बिल्कुल, भारत माता की वंदे मातरम कहते हुए मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगी और इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि यहाँ से 100% सिर्फ और सिर्फ भाजपा को वोट दे के सब जीता है। जो भी ये देखे वोट तो चलेगा 19 अप्रैल को, आप लोग जो भी सुनते हैं सब भाजपा को ही वोट दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम। पिछला पांच साल में तो रुला दिया अंडमान का जनता को, पानी, सड़क, बिजली हर क्षेत्र में रुला दिया। करंट तो 24 घंटा में 4 घंटा भी नहीं रहता था, पानी में तो गोटा ये शहर से लेके और रूरल एरिया तक पानी में ले सबको तरसा दिया। और आपका ये सड़क, गड्ढा में सड़क है कि सड़क पे गड्ढा है वो भी जनता को मालूम नहीं पड़ता था, वो हालत बड़ा है। तो पिछला 5 साल में मतलब विष्णु जी 15 साल जो एमपी रहा उनका टेन्योर में अंडमान में जितना डेवलपमेंट किया था 15 साल में कम से कम 50 साल का डेवलपमेंट किया था, वो डेवलपमेंट को जो है कम से कम 10 साल पीछे कर दिया ये 5 साल कांग्रेस का एमपी बन के। ये जनता का दिल में सब मालूम हो गया, जनता को सब कुछ मालूम है, इसलिए ये आने वाली चुनाव में बीजेपी का उम्मीदवार भारी से भारी मतों से जीतेगा, कम से कम अबव 30,000 का ऊपर मार्जिन से बीजेपी का उम्मीदवार हमारा विष्णु जी जीत दर्ज करेंगे। और हमारा मोदी जी का जो नारा है अब की बार 400 पार, वो 400 में से एक कमल हमारा अंडमान निकोबार से विष्णु जी लेकर जाएंगे। विष्णु जी अंडमान निकोबार का हर जनता का दिल में बसते हैं, बहुत ही जनप्रिय नेता है, उनका मुकाबले में कांग्रेस बोलिए कोई भी पार्टी उनका मुकाबले में कोई नहीं खड़ा होता। इसलिए तो कांग्रेस में आज तक वो लोग कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि किसको दे, क्योंकि किसी का दिल में हिम्मत नहीं है कि विष्णु जी से कंटेस्ट करे।
जो भी कंटेस्ट करेंगे वो तो भारी मात्रा में हारेंगे। वो डर का मरे उन लोग अभी तक कोई खड़े ही होने नहीं मांगता विष्णु जी के अगेंस्ट में, क्योंकि विष्णु जी अपना 15 साल में अंडमान में जो डेवलपमेंट किया वो करिश्मा का तरह डेवलपमेंट किया। जैसा लॉ कॉलेज या अंडमान कॉलेज पहले क्या होता था, बच्चे लोग को या लॉ कॉलेज या अंडमान मतलब मेडिकल सीट में भेजने के लिए कहीं बाहर भेजना पड़ता था, हिडन मनी देना पड़ता था, वो अलग, बच्चा लोग घर छोड़ के बाहर रहता था वो अलग, कितना टेंशन होता था। एक गार्जियन को बोलने से जो एक्चुअली खर्चा है उससे भी 100 गुना एक्स्ट्रा खर्चा होता था, गार्जियन का सिर का बाल गंजा हो जाता था बच्चा को डिग्री कराने कराते। लेकिन विष्णु जी का आशीर्वाद से अंडमान का बच्चा लोग अंडमान में अपना घर से जाके पढ़ाई कर रहा है, सब डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है, ये अंडमान का हर जनता जानता है। विष्णु जी अंडमान को क्या दिया है, विष्णु जी का मुकाबले में अंडमान में कोई भी लीडर उनका मुकाबला उनका सामने खड़ा नहीं हो सकता। विष्णु जी अंडमान के लिए भगवान है, नाम विष्णु है, असली में भी विष्णु जी है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश होता ना विष्णु जी पालनहार, ये विष्णु जी भी पालनहार है, ऐसा नेता है हमारा। इसलिए अब की बार हमारा विष्णु जी भारी से भारी मतों से विजयी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका सामने कांग्रेस तो क्या, राहुल गांधी खुद अगर खड़ा होने से भी उनका सामने जीत नहीं सकता, राहुल गांधी भी हार के जाएगा, चैलेंज है हमारा उनका सामने। बाकी कैंडिडेट का क्या, उनका क्या औकात है? देखिए कुछ कुछ सोशल मीडिया सर्कल्स में मीम्स बन के चल रहा है जो 100% जॉब रिजर्वेशन को लेके और ये सब मैटर में, विष्णु जी ने अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैंडिडेट बनने के बाद क्लियर किया है कि जब लद्दाख में जॉब रिजर्वेशन हो सकता है तो अंडमान में भी हो सकता है, और उन्हें कहा है कि वो 100% जॉब रिजर्वेशन जो अंडमान के जो रेसिडेंट्स हैं उनके लिए 100% जॉब रिजर्वेशन पे कार्य करेंगे और होगा। दूसरा ये बम्बू फ्लैट पुल के ऊपर बात हुआ था, वो भी उन्होंने कहा कि बम्बू फ्लैट उनका स्टाइल है बोलने का कि होगा होगा होगा, तो बम्बू फ्लैट पुल भी उनके पीरियड में बनेगा। नेशनल हाईवे का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको भी सॉल्व कराएगा। ये 3 मेजर मुद्दा है आज अंडमान में, जो मतलब लोग कहते हैं कि जो अगर पिछला MP चाहे तो हो सकता था, कोशिश कर सकता था, लेकिन वो हो नहीं पाया। और लेकिन विष्णु जी कुल के सबके सामने आकर MP बनने से पहले ही कैंडिडेट बनते उन्होंने प्रॉमिस किया है कि ये जो मेन मुद्दा है अंडमान में इसको 100% वो पूरा करेंगे, और अंडमान के बच्चों को यहाँ का नौकरी यहीं के बच्चों को मिलेगा, बम्बू फ्लैट पुल बनेगा, नेशनल हाईवे जैसा उनके पीरियड में जब विष्णु जी MP थे जैसा हम लोगों का चिड़िया टापू से लेकर जिरकाटान तक का रोड बना था, सेम क्वालिटी का रोड उस हमारे कदमतला से लेकर डिगलीपुर तक और बाराटांग एरिया में भी उसी लेवल का बनेगा। और विष्णु जी इसके लिए उनमें वो एनर्जी है और उनमें वो काम करने के दृढ़ वो जो संकल्प होता ना कि मुझे करना है। देखिए 15 साल MP रहा हो, एक करप्शन चार्ज उनके ऊपर आ जाए, हमारे विरोधी तो MP नहीं रहता तब से उनके ऊपर करप्शन चार्ज है, MP के बाद का तो बात अलग है, बिना MP बने उनके ऊपर इतना करप्शन चार्ज है। और विष्णु जी 15 साल MP रह के उनका खुद का घर देख सकते हैं आप कैसा है। तो ऐसा कैंडिडेट जनता को मिला जो जनता के बारे में सोचता है, जो हर जगह अवेलेबल रहता है, एक फोन कॉल में पहुंच जाता है, उनको कोई कार का जरूरत नहीं होता, उनको कोई AC का जरूरत नहीं होता है, वो आदमी ऐसा है कि एक स्कूटर में भी बैठकर या पैदल भी कहीं भी पहुंच जाता है, रुका सुखा खा लेता है। तो ऐसा व्यक्ति आज अंडमान को चाहिए। और हम लोग जो देख रहे हैं आज का ये जो हम लोगों ने नॉमिनेशन का कोई प्रिपरेशन नहीं था हमारा, जैसा माइक में अनाउंस करके जाना कि मतलब आज नॉमिनेशन है, आपने कहीं नहीं सुना होगा, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में BJP का डाल दिया कि हम लोग इतने तारीख को 1 बजे नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। आप देखिए कितना भीड़ आया, बिना मतलब अभी आप दूसरे भी देखेंगे उसके बाद कोना कानी में पैसा बटता भी दिखेगा आपको, आप देख लेना हमारे जितने भी आए सब कार्यकर्ता, हमारे जितने भी लोग यहाँ पे है कार्यकर्ता है, 100% डेडिकेटेड कार्यकर्ता है, बिना कोई स्वार्थ का, बिना पैसा का, बिना कुछ का हुआ है यहाँ पे आए। तो ये हमारे फौज है, किराए के फौज नहीं है, हमारे जो डेडिकेटेड वर्कर्स है जो दिल से यहाँ पे है, उनका भी नॉमिनेशन होगा ना, आप यहाँ रहेंगे आप जरूर देखना, 100 रुपया तो आजकल कुछ नहीं है, 500 रुपया या उसका पत्ता भी रहेगा, बिरयानी भी रहेगा, पाउच भी रहेगा, सब कुछ रहेगा,
वैसा भीड़ नहीं होता है, दिल से जो आता ना उसको कहते हैं कार्यकर्ता। आप देख लीजिए रिजल्ट कैसा रहेगा। और आज मैं कहता हूं मैं इलेक्शन रिजल्ट के दिन भी आऊंगा, जो मैंने कहा कि 30,000 पार दिल्ली में, 400 पार अंडमान में, 30,000 पार। सभी को नमस्कार। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो भाजपा के उम्मीदवार हैं विष्णुपद राय जी का जो है आज नामांकन पत्र जो है वो भरा जा रहा है, तो हम सभी जो है उनके सपोर्ट में यहाँ पे आए हैं और पार्टी कार्यकर्ता के नाते। और पिछले 5 साल के जो बात करें कि इस बार जो हमारे भाजपा को हमारे खुद का सांसद का ज़रूरत है, ये बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि विष्णु जी का जो पिछला 15 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें हम सभी ने देखा है, हर एक आइलैंडर्स ने देखा है कि अंडमान का ग्रोथ या अंडमान का डेवलपमेंट कैसा हुआ है। और ऐसे इंसान जो कि धरातल से जुड़ा हुआ हो और आम जनता के साथ में उनका ज़रूरत के हिसाब से उनका ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक लीडर को जो जो सोचना है, एक लीडर को जैसा जैसा होना है, ये पूरा गुण जो है ये विष्णु जी का अंदर में है। एक अच्छा इंसान, एक सच्चा इंसान, एक साफ सुथरा कैरेक्टर वाला इंसान, ऐसे लोगों का पॉलिटिक्स में रहना पॉलिटिकल फील्ड के लिए एक वरदान जैसा होता है। हमारे अंडमान तथा निकोबार आइलैंड में हमारे पास, भाजपा पार्टी के पास ऐसा लोग, ऐसे लोग हैं, ये हमारे गौरव का बात है। और साथ ही हम बोल सकते हैं कि भाजपा ने जो भी कदम हमारे द्वीप समूह के लिए उठाया है आज तक, ये बहुत ही सराहनीय रहा है, क्योंकि ये पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हर एक जो आइलैंडर्स है ये फील करता है, उनको दिखता भी है। जैसे कि आपका आपका नॉर्थ मिडिल का जो दो ब्रिज है उसमें एक ब्रिज जो है विष्णु जी का कार्यकाल में ही समाप्ति का ओर था और वो समाप्त भी हो गया है। और दूसरा जो ब्रिज है वो जब पूरा करना था तब उनका टर्म्स खत्म हो गया, कांग्रेस का जो सांसद आके जो है उसको पूरा नहीं कर पाया है या कोई पहल भी नहीं उठाया है। और रही बात हमारे द्वीप समूह के हर एक सेक्टर की बात, विष्णुपद राय जी ऐसा कोई भी फील्ड या ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जिसके बेटरमेंट के लिए काम नहीं किया हो या आवाज़ ना उठाया हो, भले वो एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा हार्डली बात करने का हो या जो भी स्ट्राइक्स या फिर धरना में बैठते हैं अपने डिमांड्स को पूरा करने के लिए, उनके साथ में साथ देकर जो है उनके डिमांड्स को रखना हो, ये प्रॉपर वे में एक लीडर को जैसा करना चाहिए वैसा जो है हमारे विष्णु जी करते आए हैं। और आशा करेंगे कि अभी का जो टर्म्स उनको मिलेगा ये तो कंफर्म है, क्योंकि ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एक आशा है और ये एक लोगों का प्रार्थना है, क्योंकि 5 साल जो हमारे आइलैंडर्स ने झेला है इसको मद्देनज़र रखते हुए इस बार जो है विष्णु जी खास करके भाजपा का सांसद को हमारे द्वीप समूह में आना बहुत ही ज़रूरी था और ये होगा भी, क्योंकि उनका समर्थन में पूरा द्वीपवासी जो है उमड़े हुए हैं। और आशा करेंगे कि आज के बाद जो भी नामांकन पत्र दाखिला हो रहा है उसके बाद कल से जो है 101% सारे लोगों को ये कंफर्म हो गया होगा कि विष्णुदा ही हमारा कैंडिडेट है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नॉमिनेशन फॉर्म का मतलब ही यही है कि कंफर्म जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है वो एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रहता है, उसी के कारण ये नॉमिनेशन डे होता है। तो थैंक यू सो मच, और अपील भी करेंगे कि हमारे द्वीप समूह के लोगों से कि भारी से भारी मात्रा में इलेक्शन के दिन घर से बाहर आए और आपका जो डिमांड्स है, आपका जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्यूशन करने के लिए विष्णु जी जो हमारे भाजपा के कैंडिडेट हैं उनको भारी से भारी वोटों में इस बार जिताएं। इस बार सिर्फ जिताने से नहीं होगा, इस बार हमारे मोदी जी का जो नारा है कि इस बार जो है 400 पार, ये 400 पार तभी होगा जब हमारे लोग, हमारे द्वीपवासी, हमारे जो जनता है वो समझेंगे इस बात को और अपना समर्थन देंगे, तभी जो है उनके जो आशा है, उनका जो एक्सपेक्टेशंस है वो हम पूरा कर सकेंगे।
जीतेगा भाई जीतेगा। बोलो जी बताइए सर, सब लोगों ने अंदाज लगा रहा है कितना रुपए बीजू जीतेगा। 25,000 से ज्यादा, कोई 30, 20, 40 बोल रहा है। 30,000 पार करेगा दादा आपकी 100% 40,000 पार होगा। माननीय मोदी जी का आशीर्वाद में, माननीय मोदी जी का आशीर्वाद में, नड्डा जी का अध्यक्षता है, भारतीय जनता पार्टी हमें टिकट दिया। आज उसको नॉमिनेशन फॉर्म में फिलअप किया, साइन किया, जमा किया। प्रदीप समूह से अनुरोध करता हूँ, दीप समूह मुझे पहले भी देखा, इस बार पूरा समर्थन से मुझे आशीर्वाद करे, ताकि उनका काम में मैं उनका मन का बात, तकलीफ का बात को दूर कर सकता हूँ। यही मेरा समर्पण रहेगा। मैं कुछ भी नहीं, दीप समूह जितना आदर सम्मान प्यार हमको दिया ये तो भूलने के लायक नहीं है। इसलिए दीप समूह के लोगों को जो सेवा मैं कर सकता हूँ वो सेवा मैं जरूर करूँगा, इतना मैं प्राण से बोल सकता हूँ। जय भारत। सर आपने आज नॉमिनेशन फाइल कर दिया और कांग्रेस का कैंडिडेट का अब तक कोई नामो निशान नहीं है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? इसमें क्या कमेंट्स मैं करूं? इसमें कुछ नो कमेंट्स। भारत माता की जय। भारत हेलो अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।